तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि टिग वेल्डिंग आप मारते हैं बताते हैं, लेकिन एमएस के बारे में नहीं बताते, यानी कि मैं ऐसे ही एसएस के बारे में बताता हूँ, एसएस पे वेल्डिंग मार के दिखाता हूँ टिग वेल्डिंग, और उसी के बारे में जो भी बताना होता है मैं बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि एमएस में भी करके दे, जैसा कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वेल्डिंग मारने से मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब फूल जाता है, मतलब यानी कि हवा हल्का फुल्का हवा लगता है तो पोरोसिटी जो होता है उसके वजह उसके जैसा मतलब हो जाता है। तो उसी के बारे में मैं बताऊँगा कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए कि वेल्डिंग ठीक हो। तो जैसे कि सबसे पहली बात, एमएस में हो या एसएस में, ठीक है, टंगस्टन रॉड आपको ठीक से धार लगाना है, ठीक है। तो टंगस्टन रॉड में कैसे धार लगाया जाता है, मतलब किस तरीके से बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए, ये उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और वरना आप अगर जानते हैं लगाने तो अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहली बात, टंगस्टन रॉड में ठीक से धार लगा होना चाहिए, ठीक है। बाकी उसके बाद इसको लगा लेंगे, आप जिस तरीके से लगाना चाहते हैं उस तरीके से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इतना बाहर निकाल रहे हैं कितना अंदर निकाल रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जैसे कि गैस है, अगर गैस कमती बेसी दे रहे हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है, तो मैं बताऊंगा अभी आगे। जो ग्रुप काटा जाता है तो साइड में जो रहता है उतना ही नहीं मारना है, यहाँ उसके ऊपर का मतलब यहाँ तक भी मारना है, मारना ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल कंपलसरी है, तभी जाके आपका फ्रेश वेल्डिंग। तो इसी के कारण मतलब जो भी पोरोसिटी होता है वो मारता है, मतलब अच्छा वेल्डिंग नहीं होता है, फूल जाता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, तो इसीलिए आप लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसीलिए आपको डेमो के लिए मतलब मैं दिखा दूंगा मार के कि यहाँ क्या मारने पे क्या फ़र्क पड़ता है और यहाँ मारने पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आप सबक कर लिए, ठीक है। और दूसरी नंबर बात, जो फिलर वायर आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। बाय द वे ये एमएस का फिलर वायर है और ये है 70S2, ठीक है। इसका भी नंबर नंबर के हिसाब से आता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर है तो मतलब उसके नंबर के मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर का मतलब थिकनेस होता है, ठीक है। थिकनेस अपने जगह है, ठीक है। थिकनेस जो होता है 1 mm 2 mm 3 mm जो भी आता है फिलर वायर उसके लिए वो अलग से आता है, नंबर का मतलब क्वालिटी होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको एसएस के बारे में बताया था, 309L आता है, 308L आता है एसएस के लिए, ठीक है। तो वो भी एक मतलब क्वालिटी है, ठीक है, मतलब ये कोई थिकनेस के लिए नहीं है। और एसएस में तो दो क्वालिटी का, जैसे 304 का आता है, 202, अगर जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है वहाँ के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो 304 का यूज़ किया जाता है, और अंदर के लिए कर रहे हैं फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं तो 202 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी है, मतलब ये जैसे कि गैस वेल्डिंग मारा जाता है तो उसके लिए भी यही यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि अलग यूज़ किया जाता है। लेकिन मटेरियल कितना कितना हैवी यूज़ कर रहे हैं, कैसा यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से मतलब इसका भी नंबर आता है, ठीक है। तो ये नंबर के साथ साथ में और भी कुछ क्या होता है, जैसे कि ये ER है, ठीक है, और ES आता है, ECB आता है, ऐसा कुछ टाइप टाइप के अलग अलग आते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिटेल में वीडियो बना दूँगी कौन सा बेस्ट क्वालिटी और कौन सा मतलब थोड़ा कम क्वालिटी का है। इसीलिए मान लेते हैं जो भी आप फिलर वायर लिए, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि गैस वेल्डिंग में जो यूज़ होता है वो भी एमएस में यूज़ होता है। लेकिन जो वेल्डिंग मारते हैं उन्हें तो ये बात पता है ऑलरेडी कि कौन सा फिलर यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन फिलर वायर आपको पता है कौन सा यूज़ करना है, लेकिन इसका क्या करना होता है कि जैसे कि अगर आप कोई फिलर वायर लिए तो इससे पहले सफ़ा कर लीजिए, ठीक है। अब चाहे एसएस का हो, एसएस में भी मैंने बताया ये बात को और एमएस में भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी सफ़ा करना है और बिल्कुल ज़रूरी है। और जैसा कि बहुत सारे मतलब ये मैं ये जैसे कि ख़राब हो चुका है, ये देखिए ये ऐसा मतलब हो जाता है, तो इसके वजह से भी थोड़ा मतलब दिक्कत आता है, ठीक है, इसके वजह से भी थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है, इसीलिए सफ़ा कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्राइंडिंग मारी कपड़ा सफ़ा करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं मार के दिखा देता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ मार लूँगा, ठीक है, उसके बाद इसमें मारूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा अभी, और मैं अभी इसमें ही मार दे रहा हूँ, इसमें मार के दिखा दे रहा हूँ कि क्या कैसा होता है। ये जो आप देख सकते हैं ये जो है वो ग्राइंडिंग मारा हुआ है, ठीक है, और ये जो है बिना ग्राइंडिंग, ये देखिए ये है ग्राइंडिंग मारा हुआ जो, और ये है जो वो बिना ग्राइंडिंग मारा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे कि ग्राइंडिंग मारने से और नहीं ग्राइंडिंग मारने से क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मतलब ग्राइंडिंग मारने से भी फ़र्क था, और फिलर वायर जो था और जो फिलर वायर है उसे सफ़ा करने का भी बहुत फ़र्क था कि अगर इसे आप तेल लगा हुआ जो रहता है, अगर केमिकल लगा रहता है तेल लगा रहा है तो उसे आप मार के देखिए, ग्राइंडिंग मारने के बाद भी मतलब ख़राब ही होगा, मतलब उतना अच्छे से नहीं होगा। लेकिन इसे सफ़ा करना ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ ग्राइंडिंग मारना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि बेस्ट वेल्डिंग आपको मिल सके, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।